सारे पेपर तैयार किए हुए थे, ताहिर साहब के, ईमान ताहिर के, जैन के, इम्बसाद के, मेरे जी जिन जिन के पास थे, ये उनके घरों में इन्होंने छापे मारे हैं, उनको मारा है, उनसे सारे कागज़ छीने हैं। बिलाल की वालदा जो 70 साल की उसकी वालदा है, उसको मार के सारे कागज़ उनसे, सब जितने कागज़ हमारे थे ये सारे ले गए हैं उठा के। अब आप बताएं इनका मैं हम क्या कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही है ना जी कि इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे तो कोई बात नहीं, इलेक्शन तो हर चीज़ नहीं होता। इंशाल्लाह जो इज्जत तार की बनी हुई है वो किसी और की ना बनेगी ना बन सकती है, सिर्फ इलेक्शन से इज्जत नहीं बनती। इनको बताएं जी जितने भी हरबे इस्तेमाल कर लेंगे इंशाल्लाह कामयाबी तार की ही होगी, किसी बंदे की नहीं होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीतेंगे तो वही जीतेंगे, नहीं जीतेंगे तो अल्लाह के फजल से कोई भी नहीं जीतेगा। ये इलेक्शन इंशाल्लाह होएगा ही नहीं, इस तरह का इलेक्शन जो इन्होंने अंधेर मचाया हुआ। ये देखें उनकी माओं को, उनके बच्चों को ये जलील करते रहे, रात को उनको घर से उठाया, उसकी माँ को मारा है, और दूसरा जो है वो 3 बंदे हमारे उठा के जिनके पास हमारे पूरे डॉक्यूमेंट से सारे छीन के ले गए हैं। अब बताएं अब हम इनका क्या करें, जितनी देर तक ही हमारे डॉक्यूमेंट सारे वापस नहीं करेंगे, हाँ मैं यहाँ से ना मैं जाऊँगी, ना मेरी बच्ची जाएगी, ना हम हमारे बंदे यहाँ से नहीं हिलेंगे, चाहे जो मर्जी इन्होंने करना है कर लें। हाँ मेरी बस आपसे यही है गुजारिश है कि इनको कहें कि जब तक ये हमारे साथ इस तरह ज्यादतियाँ करते रहेंगे हम इनकी ज्यादतियाँ सहते रहेंगे, लेकिन हम इनके आगे झुकेंगे नहीं। इंशाल्लाह फरमाए कि अब जिस तरह आप फरमा रही हैं कि वो रात को कागजात भी ले गए, आपके 3 बंदे भी ले गए, तो आप फिर अभी क्योंकि आज आप ये समझ रहे आखिरी दिन है जी, कल कागजात नामजदगी जो है वो दाखिल, हाँ नहीं तो हमें देना, कौन कौन कराएगा ये, ये देंगे हमें, ये आरओ साहब हमें देंगे कागज, ये हमें मंगा के देंगे, हम थाने भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, इनसे कागज लेंगे अपने, जो हमारे तैयार थे इन्हीं के पास है, पुलिस को कहे ना आके हमारे कागज दे। हाँ नहीं देंगे तो फिर अल्लाह मालिक है। हाँ अच्छा कागजात छीनने का क्या मकसद है इनका? कागजात छीनने का मकसद सिर्फ ये है ना कि ये ना खड़े हो, ना मेजर साहब हो, ना उनका कोई, कैसे जा सकते हैं जब हमारे कागजात नामजदगी हमारी बच्चों के पास है, उनको उठा कर ले गए रात को, तो अब उनको जब तक हम नहीं रहा के रहेंगे कागजात कैसे दाखिल करेंगे? का लास्ट डेट है, लास्ट डेट है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई मैडम आप वो आ जाए नहीं ये कब मैंने अपने बंदे भी लेके जाने हैं और जो पेपर इन्होंने उधर भी ना कोई होया बैठा हुआ तो फिर क्या करेंगे? उधर भी कोई नहीं होना, उधर भी कोई बंदा नहीं होना। वो आज इसी चक्कर में आज मेरा ख्याल 10 मीटिंग करेगा आज, तो इससे बनेगा क्या? ये तो सोचे ना आप, वो कितना छुपेंगे हमारे से? आज का दिन तो तमाम एमएलएज ने यहाँ पर आके पेपर जमा करवाने हैं, ये भी लिखे कि आपके जो ऑफिसर है वो अवेलेबल ही नहीं है, वो कह रहे मैं नहीं आ सकता मैं मीटिंग में हूँ। इस चीज को देखें, इलेक्शन तो उसने वो जिसने को फायदा है, नहीं, 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 नहीं